नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ही होंगे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। मैं आपका यार अमृत आज लाया हूं आपके लिए एग नाचोस क्रैप, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आता है और बड़ों को भी आता है। चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसके लिए लिया है 4 अंडे और 1 नाचोस का पैकेट। आप लेस का भी यूज़ कर सकते हैं या किसी और चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा फ्लेवर आपको चाहिए आप वो फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। ये टोमेटो फ्लेवर है। तो सबसे पहले हम अंडों को एक एक करके तोड़ लेंगे। इसके बाद हम इसको ब्लिसर की मदद से अच्छे से फेंट लेंगे। ये बहुत ही इजी रेसिपी है जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी ये बन भी जाती है। इसमें हम कोई नमक मिर्च का ऐड नहीं करेंगे। जो भी फ्लेवर आएगा वो नाचोस का ही आएगा। इसके बाद हम लेंगे नाचोस का पैकेट और उसे कुछ इस तरह से कट करेंगे। एक साइड से सीजर डाल के इसको आराम से कट कर लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने कट कर लिया है। इसके अंदर पूरा पैकेट नाचोस का है। अब जो हमने अंडा फेंटा था वो हम इसमें ऐड करेंगे। हम इस तरह से फोल्ड करके इसको ऐसे अच्छे से क्रश कर लेंगे अपने हाथ से ही, जिससे कि ऑमलेट और नाचोस अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें ऑमलेट का जो है स्वाद नाचोस के अंदर ही, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑमलेट और नाचोस अच्छे से मिक्स हो गए हैं। हम इस नाचोस के पैकेट को कुछ इस तरह से प्रेस करके यहाँ से फोल्ड करना शुरू करेंगे। इसको अच्छे से फोल्ड कर दीजिएगा कि ये लीक ना हो। उसके बाद इसको हम स्टेपलर की मदद से 3 से 4 जगह पर स्टेपलर कर देंगे। कुछ इस तरह से स्टेपल करने के बाद ये पैकेट रेडी है। अब हम इसको पानी में बॉईल करेंगे। अब एक पैन लेंगे, उसमें हम पानी ऐड करेंगे। कुछ इस तरह से पानी ऐड करने के बाद हम इसको इंडक्शन को ऑन करेंगे। हमें इसको बॉईल करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब हम इस नाचोस के पैकेट को इसके अंदर डिप कर देंगे। और ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से आपने इसमें पिंस लगाई हैं उतनी ही पिन आपने निकालनी भी है, क्योंकि ये खाने की आइटम है। तो अब हम इसको एक बारी कुछ देर के लिए कवर कर देते हैं, ये पानी अच्छे से बॉईल हो जाए और ये अच्छी तरह से पक जाए।
तो जैसे कि हमने इसको कवर कर दिया है तो इसमें अच्छी से हीट बनेगी और ये अच्छी तरह से चारों तरफ से पक जाएगा, तो बहुत जल्द हमारा रैप बनके तैयार हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पानी जो है बॉयल होने शुरू हो गया है, तो इसको हम मैक्सिमम 10 मिनट तक इसको बॉयल करेंगे, उसके बाद हम इसको खोल के दिखाएंगे आपको। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आप बच्चे को भी टेस्ट करवा सकते हैं और घर में कोई गेस्ट आए तो उनको भी फट जल्दी से जल्दी आप रेडी करके दे सकते हैं। तो एक बार हम अपना एक कवर उतार के चेक कर लेते हैं। अभी ये अच्छे से बॉयल नहीं हुआ है तो इसको हम एक बार और ढक देंगे। तो हमारा नाचोस एग रैप बनके तैयार है। अब हम इसको इंडक्शन को ऑफ करेंगे और इसको बाहर निकालेंगे। ध्यान रखिएगा पानी बहुत गर्म है, नहीं आपका हाथ जल ना जाए। तो कुछ इस तरह से हमने अपने रैप को पानी से बाहर निकाल लिया है और अच्छे से सुखाने के बाद अब हम इसको ओपन करेंगे। ध्यान रखिएगा कि आपने इसमें स्टेपलर की पिन लगाई है, वो अच्छे से निकाल लें। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा रैप बिल्कुल अच्छे से पक चुका है और खाने के लिए रेडी है। तो चलिए इसको सर्व करते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा लगा हमें खाने में। कैसा लगा आपको ये रैप जो कि अच्छे से पका हुआ है? अगर आपको हमारा रैप अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और हम ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस और इजी इजी रेसिपी लाते रहेंगे। धन्यवाद।